अपनी आंखें बंद रखी थी। अच्छा ठीक है, तो बोलो ना फिर। हाँ, तो आपको मूवी कैसी लगी खुद विकी कौशल की? ठीक है, बहुत अच्छा है, स्टोरी अच्छा है, वी आर वेटिंग फॉर द सेकंड पार्ट। अच्छा, ये किस पार्ट में कौन सा आपको सबसे ज्यादा पार्ट ये जंप स्केयर्स बहुत अच्छे थे। हाफ द टाइम तो मैंने अपनी आंखें बंद ही रखी थी, लेकिन कभी कभी देख रहा था, जंप स्केयर्स मुझे बहुत अच्छे लगे। ओके, सो ये हॉरर फिल्म है, कितनी डरावनी लगी आपको? आउट ऑफ 10 इफ यू आस्क, आई विल रेट इट 8। So, कैसी लगी आपको फिल्म भूत? बहुत अच्छी थी, मूवी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छा मतलब हॉरर स्टोरी अच्छा ग्रेड गया था, एकदम ऐसा लग रहा था कि हॉलीवुड जैसा फील आ रहा था, काफ़ी अच्छा हॉरर था, मतलब वी एंजॉयड अ लॉट। आपको कैसी लगी? अच्छी थी मैम, काफ़ी स्टोरी बिल्डअप अच्छा था, सीन्स भी अच्छे थे, बढ़िया। सिर्फ मतलब स्टोरी काफ़ी अच्छी, स्टोरी बिल्ड लाइन काफ़ी अच्छी थी, ऐसा कुछ नहीं था कि भाई सिर्फ हॉरर ही क्रिएटेड है, पूरा डिपिक किया था, एक एक सीन को अच्छे से क्रिएटेड किया था, बाकी काफ़ी अच्छी मूवी है, सबको देखना चाहिए। मूवी पढ़ने का और विकी कौशल की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, वो कितना पसंद आया आपको इस फिल्म? काफ़ी अच्छा था, विकी कौशल ऑफ कोर्स बेस्ट एक्टर है, उरी थी उनकी, काफ़ी अच्छी मूवीज थी, विकी कौशल इज बेस्ट, सुपर एक्टिंग थी उनकी। भूमि पेडनेकर का इतना रोल नहीं था, बट जितना भी था अच्छा था, अच्छी एक्टिंग, नाइस। आपको कितना पसंद आया? बहुत अच्छा था मैम। हम लोग तो विकी के फैन हैं, तो उनकी मूवी तो देखनी होती है, और ये मूवी तो सबको देखनी चाहिए। ओके, अगर बात करूँ इस फिल्म की, तो कौन सा पार्ट आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया? हॉरर सीन्स काफी सारे थे, तो क्लाइमेक्स क्लाइमेक्स वाज द बेस्ट एक्चुअली। ओके, आउट ऑफ 5 स्टार कितने दोगे? 4.5। थैंक यू। कम रोल चलो पूछते रहो ना। हां ओके, तो सर आपको मूवी कैसी लगी विकी कौशल की भूत? अच्छी है, अच्छी। आपको पसंद आई? हाँ पसंद आई, पसंद। अगर उनकी परफॉर्मेंस के बाद में बात करूँ तो वो कितना पसंद आया? उनके बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है ना, वो बहुत अच्छे है, अच्छे एक्टर है। अच्छे एक्टर है। हाँ, बहुत अच्छे है। कितनी पसंद आई इसमें? तो छोटा ही रोल है ना उनका, तो जितना है उतने में अच्छी है। ओके, आज ही के दिन में सुमंगल ज्यादा सावधान भी रिलीज हो रहा है, सो ऑडियंस को क्या ज्यादा पसंद आएगी, भूत या फिर सुमंगल ज्यादा सावधान? पता नहीं, अभी अपने पे, सब अपने अपने पे। ओके, तो आप 5 में से कितना स्टार दे रहे हैं? 4। अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी, नया एक्सपीरियंस था। आपको कैसी लगी? वैसे तो हमारे कॉलेज का बंदा है, इसलिए हम फर्स्ट डे क्वेश्चन देखने आए। ओके, और स्क्रिप्ट अच्छी थी, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस फिल्म से, अपने एक्सपेक्टेशन पे ये खड़ी उतरी? हाँ जी, मतलब थोड़ा अलग एक्सपेक्ट कर रहे थे हॉरर जॉनर में, बॉलीवुड में ऐसा बना नहीं है, अच्छा था स्टोरी टेलिंग, अच्छा था। ओके, अगर बात करूँ हॉरर जॉनर की, तो कितनी डरावनी लगी आपको? अप टू द मार्क नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक। नहीं, अगर आप हॉलीवुड के साथ कंपेयर करेंगे तो नहीं, अच्छी नहीं है, लेकिन बॉलीवुड में अच्छी है, और विकी कौशल कुछ अलग ट्राई कर रहा है, तो वो देखने के लिए मज़ा आता है। उनकी एक्टिंग पसंद आई? और काफ़ी सटल, बहुत 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 सटल है। भूमि पटनेकर का स्पेशल अपीयरेंस है, सो उतना उनको स्क्रीनिंग नहीं है, लेकिन वो गाना भी बहुत अच्छा है चन्ना का। सो कौन सा पार्ट पसंद आया इस फिल्म का? इस फिल्म का छोटा सा सीक्वेंस होता है जब शिप पे एक चल के आता है बंदा, वो बहुत सही सीक्वेंस है, स्पॉइलर नहीं देना चाहता, लेकिन वो बहुत सही सीक्वेंस है। आप बताओ, उसकी एक्टिंग पसंद बहुत ज़्यादा। सो 5 में से आप कितना स्टार दोगे इस फिल्म को? 3.5। आप 4। थैंक यू। बहुत अच्छी मूवी थी, आपको अच्छी मूवी थी? खेल रहे थे, बट ऐसा कुछ स्केरी इतना नहीं था, बट अच्छा था स्टोरी, अच्छा। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको मिला? हाँ काइंड, हाँ मतलब सही था, बोर नहीं हुआ, दोस्तों के साथ आए थे तो अच्छा ही था। विकी कौशल की परफॉर्मेंस तो अच्छी होती है, मतलब strong emotions, he is one of the best actors who can convey it, so अच्छा था। okay, भूमि पेडनेकर कितनी पसंद आई इस फिल्म में? उसका रोल ज्यादा था नहीं, बट ठीक है जितना था उतना। डायरेक्शन वाइज ये मूवी पसंद आई आपको? हां अच्छा, हां डायरेक्शन। ओके, सो ऑडियंस को कौन सी मूवी ज्यादा पसंद आई, कि भूत या फिर शुभमंगल ज्यादा सावधान? आज ही रिलीज हुई है, शायद शुभमंगल ज्यादा सावधान, मतलब अगर उस टाइप का क्राउड हो तो। हां, अगर 5 में से कितने स्टार दोगे? 3.5। 3.5। So ma'am, how was the movie? The movie was great. It's great to see Bollywood entering the horror genre, and I think it was a good watch. What about the stories and direction? The storyline was, I think, good. They did a pretty decent job, and the direction also was good. What about Vicky Kaushal's performance? Vicky Kaushal's performance was amazing, but I wouldn't say that he should leave other genres to enter horror, like completely horror. Someone just asked me about it. So I think he did a great job. He did what he does best.
But yeah, that's about it. Which part do you like the most in horror? I think, horror-wise, I like the scene where the girl vanishes. There is this scene where the girl and the guy are entering the ship. It's called Seabird. They're entering the ship and then the girl just vanishes. That was very scary. And there was this scene where the professor holds something and he starts chanting this mantra of sorts. That was very, very funny. I mean, it was a good shot, but it was just funny for us. What about Bhoomi Padukone? She was great, but I wanted to see more of her. I mean, there wasn't enough of her in the movie. So, yeah. Out of 5 stars, I'll give it 3.5. Thank you. Okay. Achhi movie thi. It's a good watch for an Indian Bollywood horror movie. Kafi achhi thi. Story kitni pasand aayi, jo expect kar rahe the, wo aapne mila. Story काफी अच्छी थी उसकी thriller बहुत moments थे where you wait for what's going to happen so it's quite good. और Vicky Kaushal की performance कितनी पसंद है? Vicky Kaushal की acting बहुत अच्छी थी. It was a very good watch. So 5 में से आप कितने stars दे? 4 stars for a horror movie. Thank you. इतना आपने भूत movie देखी तो कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी movie सही में बहुत अच्छी थी Bollywood के standard से तो बहुत ही अच्छी थी. The script was really good. They completed a full circle and like it was good writing, good direction. Good acting from Vicky again, like he was exceptional. Just a few like things that could have been better, like the animation and like the post-production stuff. And otherwise, it's a very good movie. Okay, first time Vicky Kaushal is exploring the horror genre. So how was the performance? I was really surprised that, you know, Vicky Kaushal took up such a genre of movies. But I mean, he did a very good job and he was amazing. Like actually, I wasn't surprised because I saw him in Uri and like, you know, all those, this thrilling genre and all those are same. So I knew he could pull it off, but like what he did was exceptionally good, and we expect that from Vicky Kaushal. You know, he's very good. What about Bhoomi Padukone? She didn't have that much of a part in the movie, but whatever it was very good. Yeah, she did a good job. I think all the acting part, like even the supporting actors were very good, but the only thing was that they could have done better with the editing and stuff. You know, we like can't expect to like, but for a Bollywood movie, they went up a notch. Definitely. What do you like to say about the background scope and the effect they have given in the movie? No, that is what I said. They could have done better with the editing and the background sound and could have been better. The background it was good. Could have been better. But it could have been better. Like what we expect from Hollywood movies, it was not as good. But it could have been better. Like there were like lot of parts in the movie in which the scene could have been like much better with good background audio. The script was really good. But you know, most of the parts the audience end up laughing. Laughing, yeah. I think it was partly because of the audio. But audio, yeah. But I think it was really good. Good experience. It was still very good. The script was exceptional. Okay, I like how much are you excited for the second part? Yeah, we were surprised the second part. Yeah, but I think it will be good again if Vicky is there or any other actor. If the script is good, like all, half the part is about the script. Script and if audio script for and a horror movie. Thing that is good, then it's obviously it will be a good movie. Yeah, okay. How much star you like to be out of 5? 3.5, 4. 4. Thank you. Thanks. Thank you so much.